बदलते मौसम के साथ सर्दी, खांसी, कफ, गले में दर्द, गले में इन्फेक्शन, कफ का सीने में जमा हो जाना, ये सब होना आम समस्या हो गया है और हम सभी बहुत परेशान रहते हैं। एंटीबायोटिक का बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट है और काफी तकलीफ देह होता है। तो आज मैं आपके लिए खुद पे बार बार आजमाया हुआ फिर से एक बार बहुत ही असरदार और सरल घरेलू उपाय शेयर कर रही हूँ, जिसे बच्चे, बुजुर्ग सभी कर सकते हैं और आप आसानी से एक मिनट में बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं दो रेमेडी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हम एक ड्रिंक बनाएंगे। सॉस पैन में डालिए 1 ग्लास पानी, 2-3 चम्मच और डाल दें। फ्लेम को कर दीजिए मीडियम। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून यानी 1 छोटी चम्मच, देखिए मैं आपको चम्मच दिखा रही हूँ, इतना भर के हमें हल्दी डालना है। पानी में हल्दी पाउडर को डाल दिया है मैंने, मिला लीजिए। खांसते खांसते जब गला छिल जाता है, गला दुखने लगता है, कफ छाती में जमा होता है, सांस लेने में भी दिक्कत होता है, सिर गर्म लगता है, बदन दर्द होता है, गले का हर इन्फेक्शन दूर करेगा, सर्दी खांसी भी ठीक करेगा इस फर्स्ट रेमेडी से। तो आप देख सकते हैं पानी में उबाल आने लगा है, इस तरीके से हिला ले और अच्छे से हमें 5 से 6 मिनट तक हल्दी वाले पानी को उबाल उबाल के खाना है, यानी खौलाना है, अच्छे से हल्दी को पकाना है। फ्लेम को थोड़ा कम कर दें। एक एक घुट जब आप लीजिएगा तो एक एक घुट गले के अंदर उतरेगा, गले की नली में जमा हुआ कफ को बाहर निकालेगा, रास्ता आपका साफ करेगा नली का और सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। हल्दी में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज पाया जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा, उतना ही फायदा करेगा जितना एक एंटीबायोटिक बाजार वाला करता है। तो सुबह आपको इसे खाली पेट लेना है और शाम को जरूर ले, जैसे हम चाय लेते हैं, और एक ही दिन में आप देखेंगे कि आपको ये बहुत ही ज्यादा असर किया है। तब तक आपको लेना है जब तक आप पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हो जाते, मतलब कि सर्दी खांसी गले का जो भी प्रॉब्लम है वो दूर नहीं हो जाता। 200% गारंटी है कि आपको बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। और बनाना कितना सरल है आप देख रहे हैं, तो इसे लेना कैसे वो भी मैं बता देती हूँ। 1 साल से नीचे के बच्चों को भूल के भी ना दें, उससे ऊपर के बच्चों को 1 चम्मच दे सकते हैं, 2-3 साल के बच्चों को 2 चम्मच दे सकते हैं और 10 से 12 साल के बच्चे 1 चाय कप या आधा चाय कप ले सकते हैं, और बड़े लोग जैसे हम चाय लेते हैं वैसे आप ले सकते हैं, या फिर पूरा का पूरा एक बार में खत्म कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। तो आप इसे एक तरीके का हल्दी वाला चाय यानी टर्मरिक टी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप इसमें 1 टीस्पून काला गुड़ डाल सकते हैं। दोस्तों गुड़ जितना काला होगा उतना ही शुद्ध होगा। आप देख सकते हैं कितना काला गुड़ है, जितना सफेद गुड़ होगा उतना ही मिलावट वाला होगा। तो अगर गुड़ डाल रहे हैं तो इसी तरीके का काला गुड़ डालें और इस टाइम आप डाल सकते हैं। उबलते उबलते 5 मिनट हो चुका है, फ्लेम को कर दीजिए बंद। अब हम छन्नी रख करके छान लेते हैं। वैसे हमने इसमें और कुछ नहीं डाला तो आप बिना छन्नी लगाए छान सकते हैं। अब जब ग्लास में छान लीजिए तो ऊपर से डालिए 8 से 10 बूंद नींबू का रस। देखिए जब गैस पे चढ़ा हो तो भूल के भी ना डालें। आप इसे एक एक सेप यानी एक एक घुट ले लेके धीरे 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 करके 10 मिनट में पूरा ग्लास खत्म कर दें। या फिर अगर आप इसमें गुड़ नहीं डालना चाहते और ऐसे भी आपको पीने का मन नहीं कर रहा, थोड़ा टेस्ट चाहते हैं, तो गुड क्वालिटी का यानी शुद्ध हनी ही इस्तेमाल करें। तो ये ड्रिंक बहुत ही ज़्यादा गर्म है, जब 2 से 3 मिनट ठंडा हो जाए रूम टेम्परेचर पे तब आप 1 छोटी चम्मच शहद डाल दीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ दूसरे उपाय के बारे में। दूसरे उपाय के लिए मैंने लिया है इतना बड़ा अदरक, आप देख सकते हैं अदरक को मैंने छील लिया है। हम इसे कद्दूकस करेंगे, करीब 2 इंच अदरक है। अदरक को कद्दूकस कर लिया है, इसका हमें रस का जरूरत है। तो आप छन्नी पे रख करके चम्मच से दाब के भी निकाल सकते हैं, हाथ से शुद्ध कुछ भी चीज नहीं है। और बहुत ही आसानी से देखिए इस तरीके से हाथों में ले और मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। हल्का सा जब दबा दीजिएगा ना तो खुद ब खुद रस बाहर आ जाएगा अदरक का। तो देखिए दोस्तों करीब 1 टेबल स्पून अदरक का रस निकल चुका है और ये जो सूखा अदरक बचा है आप इसे किसी सब्जी भाजी या फिर अदरक वाली चाय में डाल के यूज कर सकते हैं।
अब एक खल लीजिए, उसमें डालिए 8 से 10 काली मिर्च। काली मिर्च का भी शुद्ध होना बहुत जरूरी है। अब डाल दीजिए इस तरीके से छीलते हुए हरी इलायची। इलायची के बीज को हमें निकाल के डाल देना है। तो 2 हरी इलायची हमें लेना है और 3 लौंग। सभी को कूट के हमें पाउडर बना लेना है। तो देखिए, हमने कूट के पाउडर बना लिया है। नेक्स्ट हमें चाहिए 2 चुटकी सेंधा नमक, इंग्लिश में रॉक सॉल्ट बोलते हैं। अब सेकंड रेमेडी के लिए फिर से गैस चलाएं और यहाँ पे मैंने एक बड़ा चम्मच चढ़ाया है और फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखा है। चम्मच में हमें डाल देना है ये अदरक का रस जो हमने निकाला था। चम्मच को छोड़े ना, दूसरे हाथ से पकड़े रहे। और ये जो हमने पाउडर तैयार किया है, हरी इलायची, काली मिर्च और लौंग का, अदरक के रस में डाल दे। तो आप देख सकते हैं पकना शुरू हो गया है और जैसे ही उबाल आने लगे इनको कर दीजिए बंद। हमने जो भी मसाला डाला और अदरक का रस सब पक चुका है और ये जो दवा है और भी ज़्यादा असरदार हो चुका है। अब इसमें डाल दीजिए 1 चुटकी सेंधा नमक। सेंधा नमक गले के हर प्रॉब्लम को दूर करने में काफ़ी मददगार है और खांसी को भी ठीक करता है। मिला लीजिए और अब इसमें मैं, इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाए, यहाँ पे 1 छोटी चम्मच शहद डाल रही हूँ। शहद गुड क्वालिटी का ही लें। अगर आप शहद नहीं खाना चाहते या फिर घर में नहीं है तो आप इसके बदले इसमें गुड़ जो मैंने अभी दिखाया है उसका इस्तेमाल करें। इस तरीके से मिला ले। आप इसे फ्रिज में बिल्कुल भी स्टोर ना करें, बाहर ही स्टोर करें और बार बार गर्म करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर बड़े इसका सेवन कर रहे हैं तो 1 छोटी चम्मच, देखिए इतना एक बार में बिना स्वाद लिए गले के नीचे उतार ले और आधे घंटे तक बिल्कुल भी पानी नहीं पिए। और अगर उसके बाद पानी पीना चाहते हैं तो गर्म यानी हल्का गुनगुना पानी ही पिए और कोई भी चीज गर्म ही खाए, ठंडी चीजों से परहेज करें। तो ये रेमेडी आपको सुबह लेना है और रात में सोने के टाइम यानी बेड टाइम लेना है। छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो बस इतना सा चटाएं, इससे ज्यादा ना दें। और 10 साल के बच्चे हैं तो आधा छोटी चम्मच, बस इतना सा इन्हें दें। तो ये दोनों उपाय को साथ में करें, बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो, मददगार लगी हो तो फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक आपने घर का जाकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए।